types of nest in fishes. Hey friends, in this video let's study about parental care in fishes. तो parental care जो है वो fishes में किस तरह से होती है और क्यों होती है? पहला reason तो ये है कि अपनी species को continue रखने के लिए, which means perpetuation of a race. अपनी species को continue करने के लिए दो तरीके हैं. या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में एग्स प्रोड्यूस किए जाएं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स, और बाय केयरिंग स्मॉल नंबर ऑफ एग्स. तो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए पेरेंटल केयर की जरूरत पड़ती है हर एक स्पीशीज में, चाहे वो पाइसिस हो, मैमल्स हो, कोई भी क्लास हो. तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो एग्स को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो कुछ बच भी जाए, या तो जो स्मॉल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी केयर की जाए. तो उस चीज को जो है पेरेंटल केयर के अंदर डाला जाता है. अब जो पेरेंटल केयर है उसमें क्या होता है कि यूजुअली जो एग्स होते हैं उनकी और यंग वंस की जो है तब तक केयर की जाती है जब तक कि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए अपने आप को बचाने के लिए और टू डिफेंड देमसेल्व्स. तो द केयरिंग ऑफ द एग्स और यंग वंस अंटिल दीज आर इंडिपेंडेंट टू डिफेंड देमसेल्व्स इज कॉल्ड पेरेंटल केयर. यहाँ पे पेरेंटल केयर जो है पाइसेस में पेरेंटल केयर ज्यादा नहीं देखी जाती या बहुत ज्यादा अमाउंट में तो नहीं देखी जाती है, लेकिन कुछ फिशेज ऐसी हैं जो कि पेरेंटल केयर जिनमें देखी गई है और इसमें वन और बोथ सेक्सेस कैन पार्टिसिपेट, मींस मेल एज वेल एज फीमेल बोथ कैन पार्टिसिपेट इन पेरेंटल केयर. अब पेरेंटल केयर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. पेरेंटल केयर जो है नेस्ट बना के की जा सकती है. पेरेंटल केयर जो है क्या कहते हैं मर्मेड्स पर्स बना के की जा सकती है, वीवीपेराइटी के थ्रू की जा सकती है, कॉइलिंग से की जा सकती है, ब्रूड पाउच से की जा सकती है, इंटेग्यूमेंट्री कप्स बना के की जा सकती है. तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं पेरेंटल केयर के जो कि अलग अलग फिशेज जो है वो शो करती हैं. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पहला तरीका पढ़ेंगे पेरेंटल केयर का, जो कि है सबसे पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट, जो घोंसला है. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है बर्ड्स कैन मेक नेस्ट फॉर पेरेंटल केयर, नो दिस इज नॉट ट्रूथ. द फिशेज कैन ऑल्सो मेक नेस्ट फॉर पेरेंटल केयर एंड देयर आर वेरियस फिशेज विच मेक्स नेस्ट. तो यहाँ पे जो नेस्ट की फॉर्मेशन है इसका जो मेन रूल ये है कि ज्यादातर जो है मेल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो मेल जो है वो नेस्ट को बिल्ड करते हैं और गार्ड करते हैं अपने एग्स को और यंग वंस को. तीन अलग अलग तरह के नेस्ट मेनली होते हैं. सबसे पहला जो नेस्ट है वो है बबल नेस्ट, एक होता है पिट नेस्ट, और तीसरा होता है वीड नेस्ट. तो तीन तरह के नेस्ट हैं. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये तीन तरह के नेस्ट हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज कैसी हैं. सबसे पहले है बबल नेस्ट. ये बबल नेस्ट जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेस्ट है जो कि किसने देखा गया है बीटा में मैक्रोपोडस में, और बाकी भी बहुत सारी स्पीशीज में देखा जा सकता है, बट दे आर एग्जाम्पल्स ओवर हियर आर बीटा एंड मैक्रोपोडस. तो इन फिशेज में जो है बबल नेस्ट देखा गया है. अब ये बबल नेस्ट बनता कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ब्लोइंग ऑफ बबल्स ऑफ एयर एंड स्टिकी म्यूकस. तो जो बबल्स हैं वो फिश क्या करता है, जो मेल फिश होती है ये जो है बबल्स थ्रो करती है, सॉरी बबल्स थ्रो करते हैं फ्रॉम, और ये एयर और स्टिकी म्यूकस से बने हुए बबल्स होते हैं जिनके बीच में जो है एग्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो एग्स हैं, बहुत सारे एग्स जो हैं वो कोलाइड कर जाते हैं बाय द मेल इन हिज माउथ कैविटी. अब जो मेल फिश है वो अपनी माउथ की कैविटी के अंदर जो है बहुत सारे एग्स रखती है, उनको जो है कवर करती है बबल्स में, और वो बबल्स किसके बने होते हैं? एयर के और स्टिकी म्यूकस के, और इनको थ्रो करती है सो दैट द एग्स एडहेयर टू लोअर सरफेस ऑफ फॉर्मी नेस्ट. तो इस तरह से Here we can see this is macropodous fish, male macropodous fish. अब ये क्या करेगी करेगा थ्रो करेगा नीचे से ऊपर की ओर ये जो बबल्स हैं, इन बबल्स के बीच में जो है एग्स हैं, और ये बबल्स का एक गुच्छा बना देगा यहाँ पे एक काइंड ऑफ फॉर्मी नेस्ट, एक फॉर्म की तरह. तो इस तरह से डालता जाएगा और बबल्स की फॉर्मेशन होगी जो कि बना हुआ है विद द ब्लोइंग ऑफ एयर एंड स्टिकी म्यूकस. सो दिस इज अबाउट द बबल नेस्ट. इस तरह से हम बबल नेस्ट देख सकते हैं जो कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेस्ट है विच इज ऑब्जर्व्ड इन बीटा एंड मैक्रोपोडस. ठीक है, तो ये हो गया बबल नेस्ट के बारे में. द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पिट नेस्ट. अब ये पिट नेस्ट का है क्या है?
जो पिट नेस्ट है, पिट का मतलब होता है होल या कोई वॉइड, किसी तरह का होल या वॉइड को जो है पिट नेस्ट, पिट कहा जाता है। तो पिट नेस्ट में क्या होगा, अब पिट नेस्ट में क्या होगा कि जो सेलमोन फिश है, यहाँ पे तीन अलग अलग स्पीशीज फिशेस की दी गई हैं। सबसे पहली है सेलमोन। अब सेलमोन जो है एक छोटा सा होल बनाएगी इन द ग्रेवल बॉटम ऑफ हिल स्ट्रीम्स एंड ले एग। तो जो हिल स्ट्रीम्स है उनके सबसे निचले तल पे जो ग्रेवल होते हैं, कंकर, कंकर जैसे बॉटम के अंदर एक छोटा सा होल बना के जो है सेलमोन जो है वो अपने एग्स को ले करेगी इन द हिल स्ट्रीम्स। इस तरह से पिट नेस्ट बनता है। पिट का मतलब ही है होल बनाना या एक वॉइड बनाना। दूसरा एग्जाम्पल है लेपिडोसायरन का। अब लेपिडोसायरन क्या करता है, एक एल शेप नेस्ट बनाता है जिसमें जो है एग्स दिए जाते हैं, और ये जो नेस्ट है कौन बनाता है, मेल, लेपिडोसायरन में जो मेल स्पीशीज है वो। तीसरा है साइक्लोप टेरिस। साइक्लोप टेरिस जो है इसमें भी मेल ही नेस्ट बिल्ड करता है पिट की फॉर्म में, इन रॉक्स, इन पिट्स एंड इन रॉक्स, रॉक्स में और पिट्स जो है छोटे छोटे गड्ढों में जो है साइक्लोपोटेरिस जो है छोटे छोटे गड्ढों में भी अपना नेस्ट बिल्ड करता है, और उसमें फीमेल जो है एग ले करती है एंड द मेल गार्ड्स दी एग्स। तो दोनों में सेम केस है कि मेल जो है वो नेस्ट बनाएंगे, गार्ड करेंगे, फीमेल जो है उनमें एग्स ले करेगी। लेपिडोसायरन में जो एल मतलब एल एल शेप नेस्ट, ये हम तरीके इस तरह से याद रख सकते हैं, एल एंड एल शेप नेस्ट। तो लेपिडोसायरन जो है एक एल शेप नेस्ट बनाता है, पिट नेस्ट है। तीन स्पीशीज हो गई, सेलमोन्स, लेपिडोसायरन, साइक्लोप्टेरिस, विच फॉर्म्स द पिट नेस्ट। राइट, नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ नेस्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी एंड द लास्ट वन इज द वीड नेस्ट। तो जो आखिरी नेस्ट है उसको जो कहा जाता है वीड नेस्ट। अब वीड नेस्ट में भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो वीड नेस्ट बनाती हैं, तो ये अलग अलग स्पीशीज को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली जो है वो है ऑस्फ्रोनेमस गोरामी। ऑस्फ्रोनेमस गोरामी बिल्ड्स अ नेस्ट ऑफ वीड एंड लेज एग्स इन दैट। अब वीड होती है अनवॉन्टेड ग्रास। अब हमें पता है कि वॉटर के अंदर या सी में या फ्रेश वॉटर में भी बहुत सारी जो है बॉटम पे वीड्स होती हैं, अनवॉन्टेड ग्रासेस होती हैं एक्वेटिक, जिनका यूज करते हैं अलग अलग स्पीशीज टू बिल्ड देयर नेस्ट, एंड द फर्स्ट वन इज द ऑस्ट्रोनेमस गोरामी, जो कि वीड का नेस्ट बनाते हैं और उसमें एग ले कर देते हैं। एंड दीज द नेस्ट इज फॉर्म्ड इन शेलो मार्जिन ऑफ पॉन्ड। अब ये शेलो मार्जिन यानी कि बहुत ही गहराई में, यहाँ पे शांत वाला माहौल हो, यहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो, वहां पे ये जो है अपना पॉन्ड के अंदर जो है वो वीड नेस्ट बिल्ड करते हैं, द ऑस्ट्रोनेमस गोरामी। द नेक्स्ट वन इज द बाउफिन और एमिया। ये जो बाउफिन फिश है या एमिया है, ये एक सर्क्युलर नेस्ट ऑफ वीड बनाती है। इसकी खासियत ये है कि एक सर्क्युलर नेस्ट ऑफ वीड बनाती है बाय क्रशिंग देम, एंड द एग्स आर लेड इन द नेस्ट एंड द मेल गार्ड्स द नेस्ट अंटिल द एग्स हैच। तो सिंपल है, इसमें भी फीमेल हमेशा एग देगी और मेल जो है इसको गार्ड करेगा। एक सर्कुलर नेस्ट ऑफ वीड्स जो है बनाते हैं बाय क्रशिंग देम इन केस ऑफ बाउफिन और एमिया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गैस्ट्रोस्टियस। गैस्ट्रोस्टियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, रिमेम्बर गैस्ट्रोस्टियस। तो गैस्ट्रोस्टियस जो है एक मेल फिश, जो गैस्ट्रोस्टियस की मेल फिश जो है ये कलेक्ट करती है एक्वेटिक वीड। ये किस तरह से ज्वाइन करेगी उन वीड्स के, जो वीड्स हैं इनको ये ज्वाइन करेगी बाय द स्टिकी सिक्रेशन ऑफ देयर किडनीज। तो जो गैस्ट्रोस्टियस मेल फिश है वो अपनी किडनी की एक स्टिकी सिक्रेशन को निकाल के जो एक्वेटिक वीड्स है उसको ज्वाइन करेगी वीड नेस्ट बनाने के लिए। द मेल फॉर्म्स अ टनल इन द फुल फॉर्म्ड नेस्ट। तो बहुत सारे ऐसे गुच्छा सा बना दिया है, गोल सा, ठीक है, वीड का। अब उसमें जो है गैस्ट्रोस्टियस का काम है बनाने के बाद उसके अंदर एक होल सा कर देना है, एक टनल सी बना देनी बीच में, और उस टनल के अंदर जो है वो फीमेल को पुश करता है फॉर एग लेइंग। सो दिस वी कैन सी थ्रू द एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें क्या दिख रहा है कि जो गैस्ट्रोस्टियस मेल है इसने ये वीड नेस्ट बनाया है जिसमें इसने एक टनल क्रिएट की है, और इस टनल के अंदर ये मेल जो है फीमेल गैस्ट्रोस्टियस को ये पुश कर रहा है ताकि वो इसके इस टनल के अंदर जाए एंड इट लेज एग्स इन द नेस्ट, और फिर मेल जो है उसके जो एग्स को और यंग वंस को गार्ड कर सके अराउंड द वीड नेस्ट। तो इस तरह से ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है वीड नेस्ट फॉर्म्ड बाय गैस्ट्रोस्टियस मेल फिश। अब आखिरी हमारे पास है एट्रोप्लस। एट्रोप्लस जो है उसको
पर्ल स्पॉट फिश भी कहा जाता है। ये पर्ल स्पॉट फिश जो है ये भी एक नेस्ट बनाती है जो कि वीड नेस्ट ही होता है, बट ये हैंगिंग वीड होता है, लटकने वाला, जैसे लटका सा बना, लटकने वाला जिस तरह से होता है उस तरह से बना होता है। एंड इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। और इसमें जो है इसकी एक जो खासियत ये है कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बोला है कि मेल गार्ड्स द एग्स, बट इन दिस केस द फीमेल गार्ड्स एग्स, द फीमेल गार्ड एग्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन केस ऑफ गैस्ट्रोस्टियस, इन केस ऑफ बोफिन, इन केस ऑफ ऑस्ट्रोनेमस गुरामी मेल गार्ड्स द एग्स, बट इन केस ऑफ एट्रोप्लस फीमेल गार्ड्स द एग्स। इवन इन केस ऑफ पिट नेस्ट इफ वी सी, तो यहाँ पे भी मेल जो है वो नेस्ट को गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एट्रोप्लस में ये खासियत है कि फीमेल ऑल्सो गार्ड्स दी नेस्ट। तो ये हमने पढ़ लिए हैं तीन तरह के नेस्ट जो कि पेरेंटल केयर ऑफ फिशेज में आते हैं। अगली जो इसकी अलग टाइप्स हैं वो है माउथ ब्रीडर्स, कॉइलिंग अराउंड एग्स, डेवलपिंग ब्रूट पाउच, इंटेग्यूमेंट्री कप्स, विविपेराइटी, मरमेड पर्सेस, तो वो भी अलग अलग तरीके हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेज। बट इन दिस वीडियो we will end this topic here, and in the next video we will continue this part second. So I hope that you liked this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.